फिर अंदर से आवाज आई कि बेटा महेश, तीन चीजों ने तुझे इस बिजनेस में बहुत तरक्की करवाई है, सफल बनाया, और आज भी तेरी सफलता लगातार आगे बढ़ती जा रही है, ये सफलता लगातार मेंटेन है और ये सफलता लगातार बढ़ती जा रही है। तूने तीन चीजों पे, अभी से नहीं, तूने तीन चीजों पे, सिल्वर पे भी उसी पे काम किया, उस समय पर्ल पे भी यही था, सिल्वर है ना, गोल्ड पे भी यही था, टोपाज पे भी यही था, इसी पे तूने मीटर तान के रखा और तूने यही चीज तुझे बहुत आगे लेके आई। और मैंने ज्यादातर लीडरों को देखा इन्हीं से भटक जाते हैं। कितने लोग उस तीन चीज को जानने के लिए तैयार है? सबसे पहली चीज वो है कि आप चेक करो आप अपनी टीम में रात और दिन कोर लोग तैयार कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अपनी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं उनको रात को बिठा के क्या प्लान देना, प्रैक्टिकल सिखा रहे हो कि नहीं सिखा रहे हो? हेलो, आप लोगों को रात को सुबह जल्दी बिठा के प्लान देना ट्रेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उनको सेफ जोन के लिए जिहादी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? उनके जहन में, उसकी आत्मा में सेफ जोन घुसेड़ रहे हो कि नहीं घुसेड़ रहे हो? उसको सेफ जोन का दीवाना बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? और बुरा मत मानना, खाली प्लान देना नहीं सिखाना है, प्लान देना तो सिखाना है, लेकिन प्लान देने के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी में तीन चीजें और डालनी। पूछो क्या? सेब सोप के प्रति पागलपन, सेब सोप के प्रति दीवानापन, खाया सेब सोप, पिया सेब सोप, जिया सेब सोप, ये घुसेड़। सुबह जल्दी 8 बजे वर्कशॉप चलाता था एक घंटे की, रात की 11 बजे चलाता था, कई बार 2:30-3 बजे तक कोर चलाई, और मैं कोर तैयार करने पर सबसे ज्यादा ध्यान देता था। मेरा एक ही फिलोसफी था, बेटा महेश, जितने ज्यादा टीम में प्लानर होंगे, जितने ज्यादा जिहादी होंगे, जितने तेरे जैसे पागल होंगे, उतने ही ज्यादा धंधा ऊपर जाने वाला। बाद बाकी ये भी धरा का धरा रहना है, ये भी धरा का धरा रहना है, ये भी धरा का धरा है, तजुर्बा भी कहीं नहीं होना, तजुर्बा गए थे, दिमाग भी गए, ज्ञान भी गए, इस पे ध्यान दे। और ज्यादातर लीडर कहां किससे भटक जाते हैं? दूसरा, मैंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, पूछो किस पे? बता दू, मेरा हमेशा से फोकस रहा है बिजनेस, ओनली बिजनेस वॉल्यूम। अगर भरत मेरी टीम में है, मेरे को सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम पे बात करनी, मेरा एक ही फोकस, सारा कुछ भी करो बीवी आनी चाहिए बस, ओनली बिजनेस वॉल्यूम, ओनली बिजनेस वॉल्यूम। अगर ये नहीं आ रहा है सारा, किस बात का तू लीडर है? क्यों लीडर मान के बैठा अपने आप को? बेवकूफ बना रहा है? कब तक बनाएगा यार? सबको छोड़, इस पे ध्यान दिया, ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। इसीलिए 500 की टीम में अगले 1.5 साल में रूबी चला गया मैं, अगले 1.5 साल, क्योंकि मुझे पता महेश को प्लान देना आता है, फॉलोअप करना आता है, डीडी निकालना आता है, साला ये भी चलेगा एक दिन, मेरा क्या चलेगा, ज्ञान भी चलेगा, तजुर्बा भी चलेगा, दिमाग भी चलेगा, लेकिन अगर ये ना निकले ना, ये सब धरे के धरे ले जाना। लोग गलती करते हैं साला, इस पे ध्यान नहीं, गणित मेरे को ये दिक्कत, मैं ये दिक्कत, ये इसको सुधारो, इसको सुधारो, साले इस पे ध्यान दे ले। बोलू ना, अच्छा सब छोड़, एक बार आईटी खोल, बीवी कितनी भेजी, उसकी बात मत करो। इस पे ध्यान होता ना तो तू ये रामायण नहीं गा रहा होता मेरे सामने, ये कमियां दिखेगी, तेरा ध्यान इस पे नहीं है, ये सुधारना। गुरु जी मेरी टीम में वो ये कर रहा है, वो कर रहे, बस इस सफाई कर्मचारी बढ़ जाए। कभी आके गुरुजी को ये बोला, गुरुजी मैं साला बीवी क्यों निकाल पाता हूं, मेरा ऑपरेशन करो, बोला? बोला नहीं गुरुजी, ये दिक्कत वो दिक्कत, इसको सुधारो, इसको सुधारो, वो करो वो करो, मेन बीमारी बता, इस पे ध्यान नहीं। और जिस दिन इस पे ध्यान आ गया, काम बड़ा हो,
मैं गोल्ड पर्ल से इतना पागलपन था अपने अंदर, इसको तान के रखना। और आज भी कईयों को महसूस होगा, महेश इसको तान के रखता है। हेलो यस। और तीसरी जो सबसे फेवरेट बता दूं, यस, जो कईयों की नहीं है, जिनको कईयों को होने में मौत आती है, पूछो क्या? वो ये है, दिल से किसी गुरु के प्रति समर्पित करना। वो जो कई होते हैं, गुरुजी को बोले, गुरुजी मेरी कमी बताओ, जैसे गुरुजी कमी बताएंगे तब मिर्ची लगी। क्या लगी? मिर्ची। बिना बत्ती हमारी मां बोले बिना बत्ती भी लगी। जैसे आकाश मंदिर को बोला, गुरुजी मेरी कोई कमी बताओ, मुझे कुछ बड़ा करना है। जैसे ही गुरुजी ने कमी बताई, ओ भाई साहब, फिर जो ये खाली होगा मेरे सामने, गुरुजी बताएगा नहीं, बोले रहने दे। क्योंकि बिना बटी भी लगेगी, क्या लगेगी? मिर्ची। इसीलिए एक बात बता दूं, कईयों को तो मैं रियल पोटेंशियल, कईयों का तो मैं काम इसीलिए नहीं करवा पाता हूं, मुझे डर लगता है। पूछो क्यों? मुझे पता है, जैसे बोली नहीं, क्या लगेगी इसके? मिर्ची। मिर्ची। और ये साला अपने तो लगाया, थोड़ी बहुत मेरे रोग छोड़ भी जाएगा। पर मैं ऐसे अड़क लेता नहीं, मैं कर लियो नहीं तो वा। और ये मिर्ची लगाना कब से प्रारंभ होता है? पूछो कब से होना चालू हो जाता है? ये प्रारंभ होता है पर्ल के 500 की टीम के नीचे नीचे तो नहीं लगती है, 500 की टीम के बाद ऊपर लगना चालू हो जाती है। क्योंकि क्या बन गया? लेकिन एक बात याद रखना बेटा, महेश आज भी एक इंसान की टीम के साथ, और तुझे होना ही पड़ेगा राजी राजी। ये जिस दिन बात समझ में आ गई, बड़ा काम होने से कोई रोक नहीं। तेरे पास बहुत ज्ञान है, तू तजुर्बेकारी, मुझे सब पता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तेरे से भी ऊपर कोई बैठा है, वो तेरा कौन है? ये हमें समझने की जरूरत है। और ज्यादातर लोग एक लेवल के बाद किसकी मानना बंद कर देते हैं? अब बोलो ना, किसकी मानना बंद कर देते हैं? फिर थोड़े समय के बाद पूछो होता क्या है? गुरु को उसके हिसाब से चलना पड़ता है, जैसा वो चाहता है वैसे गुरु को करना पड़ता है। फिर कई गुरु को करते, मेरे जैसा तो करता ही, बोले ठीक है टाइगर बता क्या करना, तू जो बताएगा वही करेंगे। हम भी बोलते टाइगर करना, अब हम क्या बोले, बता क्या करना, कहाँ के डांस करना, फिर हम गा के करते और बता और कैसे, इधर करना ऐसे कर देते, क्योंकि मैं बोलूंगा ऐसे वो मानेगा नहीं, गुरु जी ऐसे ही करो आप तो। ऊपर गुरु बैठे, इनको भी ऐसे डांस करवाते रहते, इनको बोलते गुरु जी ऐसा नहीं ऐसे करना। मेरे को एक क्वेश्चन मिले, एक टाइगर ने कॉल किया, बोले गुरु जी अब मैं जिम्मेदारी लूंगा, मेरा सेमिनार अलग करूंगा। पहले तो बोला जो सेमिनार हो रहा है इसमें तेरे गेस्ट कितने आते? बोले 5 आते। मैंने पूरे कैसे हो जाएगा? पहले उसमें 50 घुसेड़ के दिखा, फिर अपना अलग कर लेना। अभी तो वहां 5 लाने में फटके दरवाजा हो रही है। हेलो यस। कैसे बात सिद्ध होती? पूछो वो किसकी नहीं मान रहा? गुरु की। और मैं सच बता रहा हूं, ये आपको बहुत छोटी बात लग रही है, मैं सच बता रहा हूं, इन 3 चीजों पे आप काम करना, बड़े बड़े धनुषधारी जो ज्ञानी दिमागधारी और तजुर्बेदारी को भी पछाड़ के आगे निकल जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता, गारंटी, कोई रोक नहीं सकता। अब कितनों को महेश ने पछाड़ के आगे निकल, क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादातर क्या है? क्या है? क्या है? और महेश ने सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया? अरे आईला।